दिन में या रात में एक ऐसा गोल्डन टाइम आता है जब आप बैठ के अपनी अगर इच्छाओं को मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी इच्छा को प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, या अपनी इच्छाओं से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर मंत्र जाप भी आप करते हैं, तो इससे आपकी इच्छा जो है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। आज इस एपिसोड में मैं आपको ये सारी जानकारी देने वाली हूँ। ध्यान से इस एपिसोड को पूरा आप सुनिएगा। हाल ही में मैंने एक क्लासेस ली थी ऑनलाइन, जिसमें मैंने इसके बारे में बताया था कि कौन सी इच्छा को आपको कब बोलना है। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि ऐसी सारी इच्छाओं के लिए मैं बताऊं, तो आज उसी से रिलेटेड ये पूरा वीडियो एपिसोड है। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दो दिन का जो ये गोल्डन सुनहरी जो वक्त होता है वो होता है गोल्डन टाइम पीरियड, जिसको कि सुनहरी मौका भी आप बोल सकते हैं। ऐसे टाइम पीरियड को होरा के नाम से भी जाना जाता है। अब होरा क्या होता है आपके मन में ये सवाल होंगे, कई बार मैंने पहले एपिसोड्स में भी बताया है आपको। पहले हम जान लेते हैं कि कौन से होरा में कौन सी इच्छा को आप बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड कौन सा मंत्र बोल सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि होरा आप कैसे खुद से देख सकते हैं, साथ ही साथ कौन से डायरेक्शन में आप चेहरा करके बैठ सकते हैं या कौन से घर के उस कॉर्नर में बैठ के अपनी इच्छा को बोल सकते हैं। अब मान लो कि आपको डायरेक्शंस नहीं पता चलते हैं या आपको मंत्र जब आपसे नहीं होते हैं, तो केवल आप उस टाइम पीरियड में जो होरा में आपको बताऊंगी उस टाइम पीरियड में एटलीस्ट अपनी इच्छा भी बोल देंगे ना 11 दिन तक, तो भी आप अपने जीवन में परिवर्तन देख पाएंगे। तो जो भी मैं आपको बता रही हूँ एटलीस्ट इनको अपने जीवन में 11 दिन तक मिनिमम तो जरूर से कीजिएगा, आप उसको ज्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे परिवार की। तो अगर आप चाहते कि परिवार में खुशहाली आए, आपका घर में सुख शांति बनी रहे, घर में अगर सपोज किसी की शादी नहीं हो रही है, परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या शादी हो गई है तो संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ मतलब हर्डल्स लगी हुई है, आप खुद टीचर हैं, आप गुरु हैं, आप चाहते हैं कि आप जीवन में तरक्की करें, ठीक है, या अगर आपका कोचिंग का काम है, आप चाहते हैं कि आपका कार्य बहुत अच्छा चले, तो ऐसे में गुरु यानी कि जुपिटर होरा बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोना। तो ईशान कोना मतलब नॉर्थ ईस्ट कोने पे या तो आप बैठ के अपनी इच्छा को बोल सकते हैं, या वहां बैठ के आप मंत्र जाप कर सकते हैं, या कहीं पे भी अगर आप बैठे तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ चेहरा भी आप कर सकते हैं। तो मंत्र होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब अगर जीवन में आप चाहते हैं सुख शांति, आप चाहते हैं कि मदर के साथ आपके रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे हो, अगर आपका लिक्विड से रिलेटेड कोई आपका बिजनेस है, दूध का काम है, या आप लिक्विड आइटम्स कोई भी सेल करते हैं, इमोशनल है, डिप्रेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, या आप एब्रॉड जाना चाहते हैं, आप चाहते कि अब जीवन में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले, आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या अगर आपको कोई लोन की प्रॉब्लम है, आप चाहते कि बैंक लोन आपका जल्दी से पास हो जाए, तो ऐसे में चंद्र के होरा में आप मंत्र जाप कर सकते हैं ओम नमः शिवाय। और जो आपका फेसिंग होगा या डायरेक्शन होगा वो होगा नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम का कोना। अगर आप जीवन में चाहते हैं प्रसिद्धि यानी कि ग्रोथ आप पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे या आप खुद एडुकेशन में बहुत अच्छा करें, करियर में आप बहुत ज्यादा अच्छा करें, आपको जीवन में ग्रोथ मिले, प्रमोशन आपको मिले, और अगर आप सिंगिंग का काम करते हैं या आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपका बात करने का कार्य बहुत ज्यादा है, तो फिर ऐसे में बुध होरा यानी कि मर्क्यूरी के होरा में आपको मंत्र जाप करना चाहिए, खास तौर पे गणपति बाप्पा का या कुबेर जी का मंत्र भी आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सुन भी सकते हैं। डायरेक्शन होगी नॉर्थ यानी कि उत्तर डायरेक्शन में या तो आप बैठ सकते हैं या उस तरफ चेहरा करके आप ये कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जॉब में आपकी प्रमोशन हो जाए, आप चाहते हैं कि आपका सोशल जो ग्रुप है वो बहुत अच्छा हो, आपको नेम और फेम भी मिले जीवन में, आप तरक्की करें, तो फिर ऐसे में सूर्य होरा यानी कि सन के होरा में आपको मंत्र जाप करना चाहिए गायत्री मंत्र का। और आपका जो चेहरा होना चाहिए या जिस डायरेक्शन में आपको बैठ के करना है वो होगा ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा। अब ऑलमोस्ट जो 99% लोगों का फेवरेट है वो है लग्जरी, पैसा, धन दौलत, शादी, गुड रिलेशंस। शादी होने में बहुत ज्यादा दिक्कत है या पति पत्नी की बिल्कुल नहीं बनती, आप चाहते कि आपका घर सुंदर सा बन जाए, लग्जरी आइटम्स आपके पास बहुत ज्यादा आए, ग्रोथ आपको जीवन में बहुत ज्यादा मिले, तो ऐसे में शुक्र होरा यानी कि वीनस के होरा में आपको बोलना चाहिए ओम क्लीम कृष्णाय नमः या लक्ष्मी माता का कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं। और जो डायरेक्शन होगा वो साउथ ईस्ट होगा यानी कि दक्षिण पूर्व का कोना होगा, उस डायरेक्शन में आप चेहरा करके बोल सकते हैं या उस कॉर्नर में ही बैठ के आप अपना मंत्र जाप कर सकते हैं।
अगर आप कर्जे में बहुत ज्यादा डूब चुके हैं, कर्जे की समस्या है, बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं, आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही, आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही, आपकी प्रॉपर्टी बन नहीं पा रही, किसी ना किसी तरह से आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे, कोई भी मंगल कार्य आपके नहीं हो रहे, शादी में बहुत ज्यादा विघ्न आ रहे, यानी कि कोई भी फंक्शन होते हैं तो आए दिन झगड़े होते हैं, या मान लो कि शादी होते होते टूट गई, इस तरह की कोई भी अगर जीवन में समस्या आ रही है, तो ऐसे में मंगल के होरा में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, तो ये सबसे बेस्ट होता है। इसका डायरेक्शन होगा साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा, तो आप इस दिशा में चेहरा करके या तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं या अपनी इच्छा को बोल सकते हैं। अब अगर आप शेयर मार्केट में है, लॉटरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप चाहते कि आपकी प्रॉपर्टी बन जाए, लेबर से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है, स्टाफ आपको नहीं मिल पाता, या आपके जो सेवा कर्मी उनके साथ आपकी नहीं बनती है, ठीक है, या किसी भी तरह से आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम जीवन में आ रही है, तो फिर आपको शनि होरा यानी कि सैटर्न के होरा में आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, और आपका जो चेहरा होना चाहिए वो वेस्ट की तरफ यानी कि पश्चिम की तरफ होना चाहिए, या उस डायरेक्शन में बैठ के भी आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। अब ये जो मैं आपको होरा जो भी मैंने आपको ये बताया कि कौन सी इच्छा को कब बोलिए, इसको कोशिश करके प्रेजेंट टेंस में आप बोले कि जैसे कि वो आपकी इच्छा पूरी हो रही है। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंत्र जाप करना वो कंपलसरी नहीं है लेकिन करेंगे तो बहुत अच्छा, डायरेक्शन भी कंपलसरी नहीं है लेकिन उस डायरेक्शन में बैठते तो क्या होगा, ये तीनों चीजें जब आपस में मिल जाती है तो वो बहुत जल्दी से काम होती है, यानी कि आपने वो होरा भी ले लिया, आपने वो डायरेक्शन भी ले लिया, ठीक है, आपने मंत्र भी कर लिया, तो आपके काम जो है वो फास्ट हो जाते हैं। ओके, अब आपको होरा पता कैसे चले, तो देखिए सिंपल सा एक ऐप आता है, यहाँ पर मैं किसी प्रकार से ऐड नहीं कर रही, आप अपने फोन से डाउनलोड कर दे दृक पंचांग, आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिखेगा। अब ये दृक पंचांग को आप डाउनलोड कर ले, डाउनलोड करने के बाद वहां पे आप देखेंगे ऊपर तीन लाइंस, वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप वहां पे देखेंगे होरा, होरा पे आप क्लिक कर दीजिए। अब आपके शहर के हिसाब से आपको वहां पे सातों ग्रहों का वो आपको टाइम बताएगा कि आज जो शुक्र का होरा है इतने टाइम से इतने टाइम है, या गुरु का जो होरा है वो इतने टाइम से इतने टाइम है। ये जो होरा है ना, ये दिन में दो बार आते हैं, सुबह भी आएगा और ये शाम को या रात को भी आएगा, तो ये रोज आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप वर्किंग है या कोई अगर दिक्कत हो गई, कभी आपका मिस हो गया, तो आप चेक कर लीजिए कि कौन से होरा में आज मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा। तो एटलीस्ट मैं यहाँ पे कहूंगी कि आप 21 दिन या 11 दिन तो जरूर से ये काम कीजिएगा। अगर आप नहीं कर पाते तो आप ब्रेक ले लेके भी कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके आप इसको फॉलो करके करेंगे तो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। और देखिए साथ ही साथ आपको मेहनत तो जरूर से ही करनी है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी बात का कभी भी शॉर्टकट नहीं होता है, तो आपको दिल से अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो जरूर से आप अपने जीवन में परिवर्तन देख पाएंगे। इस एपिसोड में मैंने कोशिश की कि जितना हो सके सिंपल तरीके से मैं आपको ये समझाऊं, और हो सके तो इसको जरूर से फॉलो कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक भी जरूर से दीजिएगा, क्योंकि आज तक इसको मैं जरूर से फॉलो करती हूँ, मतलब कोई भी अगर कार्य करती हूँ तो मैं होरा जरूर से मैं चेक करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी मिल पाए। चैनल पे नए आए हैं, इस तरह के वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इसके अलावा आप और भी रेमेडीज पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ वीडियो में भी मिल जाएगा, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, ईश्वर करे कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। नमस्कार।